वेलकम टू अनदर जियोग्राफी वीडियो जियोग्राफी लेक्चर वीडियो लेट्स सी इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अर्थ मतलब कि का जो जो है और जो evolution हो गया अभी तक उसके बारे में हम जानेंगे अभी ये ऑरिजिन ऑफ अवर सोलर सिस्टम इसके बारे में बहुत सारा हाइपोथिस है बहुत लोगों ने ऐसा बहुत कुछ बोला है कि कैसे हमारा सोलर जो सोलर सिस्टम है वो

एंड so, जो वीडियो है वो कैसे क्रिएट हुआ था उसके बारे में जो हाइपोथिस उन्होंने दिया है क्या बोला है वो गैसियस हाइपोथिस उस गैसियस हाइपोथिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो देख लेते हैं जो हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस का मतलब है कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं है उनका कुछ सोचना था वो हाइपोथेसिस का मतलब है कि वो कुछ सोच के ऐसे बताए थे उस टाइम में कुछ ऐसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे कि वो जो बताए कि वो एकदम ठीक है वो कुछ सोचे और उसके उन सोच के ऊपर बेस करके वो ये बताए थे तो क्या अज्यूम किए थे He assumed supernaturally created primordial hard matter was already present in the universe. ठीक है हम इसको

he also told that the heat of the nebula increase also the size of the nebula increase further the centrifugal force increase then the centrifugal force and then nine rings are separated which we today tell that the planets and the rest material wo tha wo hai tha sun तो इसको हम सम अप कर लेते हैं ये तो हाइपोथेसिस है जो उन्होंने बोला था इसको हम सम अप कैसे करेंगे देखते हैं कि कांत जो बोल रहे हैं जो गैसियस हाइपोथेसिस है वो कब दिए थे 1755 में ठीक है ये जो गैसियस हाइपोथीसिस था इसमें क्या बोल रहे हैं कांड कि एक शेपलेस प्राइमोडियल मैटर था दिस इज प्राइमोडियल मैटर मतलब कि जो प्रिमिटिव है जो है, बहुत पुराना है जो पहले से प्रेजेंट था ये एक आ, स्पेस में ये एक प्राइमोडियल मैटर है जो क्या है ये प्राइमोडियल मैटर है पहले तो ये सॉलिड है फिर ये कोल्ड और Motionless. ये तीनों जो वर्ड है इनको ध्यान में रखना है ये बाद में जब इस हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे तो ये तीनों जो वर्ड है ये आएगा प्राइमोडियल जो मैटर है वो पहले सॉलिड था कोल्ड था एंड मोशनलेस था अच्छा ये जो है ये कोई शेप नहीं था पर्टिकुलर कोई शेप नहीं था ठीक विदाउट अ शेप मतलब कि एमोरफस था जो प्राइमोरियल मैटर था ये था एमोरफस। एक एमोरफस प्राइमोडियल मैटर था जो था कि सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस ये पहला गया उसके बाद क्या हो गया कि ये जो मटेरियल है इसके प्राइमोडियल मैटर के अंदर जो मटेरियल था वो एक दूसरे से कॉल्यूशन करते करना शुरू किया क्योंकि वहां पे एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुआ था इसके बाद आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स <coughs>

फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा तो कलिशन से क्या हुआ फ्रिक्शनल फोर्स कलिशन से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुआ और बार बार कलिशन होते होते एक दूसरे अभी एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल टकराया वो जाके किसी और से टकराया फिर वो जाके किसी और से टकराया तो एक बार अगर कॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो रेट ऑफ कॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता रहा अभी फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे है जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे क्या होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ फिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ गया अभी किसी मैटर का हमको ये पता है फिजिक्स में किसी मैटर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है वो एक्सपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया वो एक्सपेंड किया अभी ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो था तो पहले सॉलिड एक मेटेरियल था ना जो कंट ने बोला था कि सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस था अभी कोल्ड का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि फ्रिक्शनल की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो कोल्ड अभी हॉट हो गया सॉलिड जो था तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो सॉलिड मेटेरियल था वो गैसियस मेटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो गया अभी उस गैशियस मेटेरियल को कंत बोल रहे हैं कि वो है नेबुला पहले हम वीडियो में हमारा एमसीक्यू वीडियो में हम ये जान चुके थे कि नेबुला क्या होता है नेबुला होता है एक गैस एंड डस्ट मेटेरियल ठीक है तो सॉलिड जो मेटेरियल था यहाँ पे वो गैस में कन्वर्ट हो गया और उस गैस को कांत कह रहे हैं कि वो है नेबुला अभी कांत और भी क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉलिशन हो रहा है इससे क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन कांत बोल रहा है कि ये जो कॉल्यूशन हो रहा है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इससे क्या जनरेट हो रहा है सर्कुलर मोशन जनरेट हो रहा है अभी सर्कुलर मोशन भी जनरेट हो रहा है नेबुला जो है सॉलिड से गैसियस में तब्दील हो गया है वो अभी नेबुला है और जो रोटेटरी जो मोशन है रेट ऑफ कॉल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए जो सर्कुलर जो मोशन है और जो रोटेटरी मोशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेबुला है उसका साइज एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ रहा है और कॉल्यूशन बढ़ रहा है इसकी वजह से जो सर्कुलर मोशन है जो रोटेटरी मोशन है वो भी बढ़ रहा है मतलब कि पहले ये इतना छोटा था फिर अभी इसका साइज ऐसे बढ़ता जा रहा है और इसका जो रोटेशन है रेट ऑफ रोटेशन भी मतलब कि जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ रहा है जो कि हमें बाद में जो क्रिटिसिज्म है उसमें पता चलेगा कि जो न्यूटन का लॉस क्या है लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अगर किसी चीज का साइज एक्सपेंड कर रहा है तो उसका रोटेटरी मोशन कैसे एक्सपेन्ड कर सकता है उसका रोटेटरी मोशन कम होगा लेकिन कांत बोल रहे हैं कि उसका साइज भी एक्सपेंड कर रहा है साथ साथ उसका सर्कुलर मोशन और जो रोटेटरी मोशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है अभी इंक्रीज करते करते क्या हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया फोर्स से किसी अगर अगर आप एक एक रस्सी में ईट लगा के फिर घुमा उसके ऊपर बाहर की तरफ जो फोर्स जा रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स अभी बोल रहा है कंत क्या बोल रहे थे कि एक ऐसा टाइम आया जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से मतलब कि बाहर की तरफ जब ईट घुमा रहे हो तो ईट बाहर में जा, जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो रस्सी से ईट बंधा हुआ है इसलिए वो बाहर जा नहीं सकता अभी कान बोल रहा है कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक समय इतना ज्यादा हो गया कि वो बाहर चला गया मतलब कि ये आउटर जो पोर्शन है नेबुला का उससे इन रिंग सेपरेट हो गया अब ये जो नाइन रिंग है इसको हम इसको कंध बोल रहे थे इसको कंट क्या बोल रहे थे कि ये नाइन रिंग नाइन प्लेनेट क्रिएट किए हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है नेबुला का ये जो रिमेनिंग सेंटर पार्ट है ये है सन तो ये था गैसियर हाइपोथेसिस ऑफ कांत हम फिर से बोलते हैं अब क्या बोला है एक प्राइमोडियल मैटर था जो कि सेपलेस था वो प्राइमोडियल मैटर था सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस फिर अचानक से उस मोशनलेस मटेरियल में मोशन जनरेट हुआ और एक दूसरे से वो टकराने लगे अभी एक दूसरे से अगर वो क्लाइड कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस वो जो मैटर है वो एक्सपेंड कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज से वो जो सॉलिड मटेरियल था वो गैस में तब्दील हो गया तो हो गया नेबुला नेबुला अभी और का जो रोटेशन और जो कोलेशन हो रहा है उस कोलेशन फोर्स से क्या जनरेट हो रहा है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन जनरेट हो रहा है उस रोटेटरी मोशन जनरेट होते होते एक समय जो आ गया आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूटल फोर्स से ज्यादा हो गया अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूटल फोर्स से ज्यादा होने से क्या हो गया नेबुला का जो आउटर पार्ट था उससे नाइन रिंग सेपरेट हुआ वो नाइन रिंग बन गया नाइन प्लानिट और बीच का जो पार्ट था वो हो गया हमारा सन ये था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत अभी इसका क्रिटिसिज्म भी है कांत का जो ये गैसियस हाइपोथेसिस था इसका क्रिटिसिज्म क्या है ये जो प्राइमोडियल मैटर था इसका सोर्स क्या था इसका सोर्स क्या था ये प्राइमोडियल मैटर का ये कांत ने कभी डिस्क्राइब नहीं किया कि यह प्राइमोडियल मैटर स्पेस में आया कहां से फिर ये प्राइमोडियल मैटर क्या था मोशनलेस था सो so, मोशनलेस से कैसे मोशन जनरेट हुआ ये कांत डिस्क्राइब नहीं किए फिर कॉल्यूशन जो हो रहा था एक दूसरे का जो पार्टिकल एक साथ आके कॉल्यूशन हो रहा था अभी आप ये बताओ कि दोनों पर, दोनों मैटर को या फिर दोनों पार्टिकल को अगर एक दूसरे से आप कोलाइट करो तो उसमें कैसे सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा ऐसा तो नहीं है कि दोनों पार्टिकल कोलाइट करने से सिर्फ सर्कुलर मोशन ही क्रिएट होगा तो कैसे सर्कुलर मोशन क्रिएट हुआ यह भी एक क्रिटिसिज्म है और जो मेन क्रिटिसिज्म है वो है लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब ये लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है एंगुलर मोमेंटम जो है ये प्रोपोर्शनल टू मास एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस स्क्वायर यह है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी कान जो कांत जो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे कि इसका मास बढ़ रहा है उसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी जो है मतलब कि रोटेटरी जो मोशन है उसको एंगुलर वेलोसिटी हम बोलेंगे वो भी बढ़ रहा है तो कैसे होगा एंगुलर वेलोसिटी को हम देख लेते हैं ये अगर एंगुलर हो गया ना फिर क्या होगा एंगुलर मोमेंटम जो कि कांस्टेंट है क्योंकि न्यूटन लॉ क्या कहता है अगर बाहर से कोई फोर्स आप अप्लाई ना हो तो जो रेस्ट जो चीज जो मैटर रेस्टिंग पोजीशन में है वो रेस्टिंग पोजीशन में ही रहेगा मोशन लेस रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही चलता रहेगा अगर बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है मास जो क्या है इंक्रीज कर रहा है सॉरी मास जो है वो मास भी कांस्टेंट है इंक्रीज तो रेडियस हो रहा है ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसमें अगर हीट टेम्परेचर आ गया है तो वो रेडियस इंक्रीज कर रहा है मास कांस्टेंट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये जो सिचुएशन है इसमें कान जो बोल रहे हैं कि रेडियस भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ उसका सर्कुलर मोशन भी बढ़ रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के प्रोपोर्शनल है रेडियस से अभी इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल हुआ तो रेडियस जब इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा रेडियस जब इंक्रीज करेगा तब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा लेकिन यहां पे क्या हो रहा है काम क्या बोल रहा है कि नहीं एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है जो कि न्यूटन लॉ के बिल्कुल भी ऑपोजिट है सो दिस इज द क्रिटिसिज्म दिस एंड लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्रिटिसिज्म सो देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ काम्स गैसियस हाइपोथीसिस नेवर एक्सप्लेन दिन ऑफ प्राइमोडियल मैटर वो कभी एक्सप्लेन ही नहीं किए किल मैटर आया कहा सेवर एक्सप्लेन दोर्स ऑफ एनर्जी टू कॉज रैंडम मोशनोडियल मैटर प्राइमोडियल मैटर कांत पहले क्या बोल रहे थे कि वो तो था सॉलिड कॉल एंड मोशनलेस उसमें मोशन कहाँ से आ गया ही नेवर एक्सप्लेन वो कभी वो एक्सप्लेन ही नहीं किए फिर आ गया द कॉलिशन ऑफ प्राइमोडियल मैटर नेवर क्रिएट्स रोटेटेड मोशन सर्कुलर मोशन जो अगर दोनों दो, दो पार्टिकल एक दूसरे साथ कर है तो वहां पे सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट होगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था एंड द पॉइंट इज़ बेसलेस आल्सो से द रोटेटरी स्पीड ऑफ द नेबुला इंक्रीज इंक्रीज एज द साइज इंक्रीज दिस इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि ये है दिस इज द मेन रीजन जो कांत का जो ये हाइपोथेसिस है इसको क्रिटिसाइज करता है तो लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हम देख ही चुके हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इनटू स्क्वायर रेडियस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी तो कांत का जो गैसियस हाइपोथेसिस था ये आपको शायद समझ में आ गया कि कांत बोल रहा है जो 1775 में ये एक हाइपोथिस था जो 1775 में कांत

अभी नेबुला जो है वो वो जो कॉल्यूशन है पार्टिकल्स का वो कॉल्यूशन क्या क्रिएट कर रहे थे रोटेटरी मोशन क्रिएट कर रहे थे फिर वो रोटेटरी मोशन धीरे धीरे वो नेबुला घूमने लगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स से अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा जब हो गया तो नेबुला का जो आउटर साइड है उनमें से नाइन रिंग सेपरेट हो गया जो नाइन रिंग हमारा नाइन प्लेनेट है नाइन प्लेनेट अभी तो एट है तब के समय में वो नाइन प्लेनेट है और बीच का जो सेंट्रल पार्ट था वो है सन अभी इसका क्रिटिसिज्म हमने क्या पड़ा कि वो जो प्राइमोडियल मैटर है वो आया कहा से ये कांत नहीं बताया फिर जो है मोशनलेस से मोशन कहां से आया ये कांत नहीं बताया फिर दोनों पार्टिकल क्लाइट करने से एक सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट होता है ये भी कांत नहीं बताया और मेन जो है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेडियस इंक्रीज हुआ और रेडियस इंक्रीज के साथ साथ वो तो जो सर्कुलर मोशन है वो भी इंक्रीज हो रहा था ये बिल्कुल है लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सो so, ये था कांत का गैसियस हाइपोथेसिस और उसका क्रिटिसिज्म तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कांत का जो गैसियस हाइपोथेसिस था वो क्या था और उसका क्रिटिसिज्म भी क्या है तो अभी हम क्या करेंगे कि दूसरा जो है जैसे कि नेबुलर ऑफ लाप्लेस कान का तो ये ये हो गया उसके बाद आता है नेबुलर ये नेबुलर हाइपोथिस में क्या होता है कि ये लाप्लेस जो है वो का को कुछ मॉडिफाई करके एक नया हाइपोथिस दे देते हैं उसको कहते हैं हम नेबुलर हाइपोथिस जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आप जरूर से बोधार्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप जान सके और जरूर हमारा जो एम सी क्यू सीरीज हो रहा है उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से हो सके थैंक यू फॉर वॉचिंग